बात की जाए विधानसभा चुनाव को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है मध्य प्रदेश में अभी तक विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी 4 सूचियां जारी कर दी हैं। वहीं कांग्रेस की अभी तक एक भी सूची नहीं आई है। सभी की नज़रें जो हैं कांग्रेस की पहली सूची पर टिकी हुई है। वहीं इसको लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी बैठक आयोजित हुई। बैठक में बात की जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ सहित कई बड़े नेता जो है इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में आज जो है 60 विधानसभा के दावेदारों को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक के बाद कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज बैठक में 60 विधानसभा के दावेदारों को लेकर चर्चा की गई है, अगली बैठक जल्द होगी। वहीं लंबे समय से जो अटकलें लगाई जा रही थी कांग्रेस की पहली सूची जारी होने पर, उस पर भी जो है कमलनाथ ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पहले नवरात्र में कांग्रेस की पहली सूची जारी हो जाएगी। तो संभावना जताई जा रही है कि आज जो 60 सीटों पर जो चर्चा की गई है, तो संभावना यही जताई जा रही है कि पहली सूची 60 उम्मीदवारों की हो सकती है। वहीं अब इस बैठक के बाद नीमच जिले के तीनों विधानसभाओं में अगर कांग्रेस दावेदारों की बात करें, जो तय नाम बताए जा रहे हैं उनमें अगर हम चर्चा करें, क्योंकि जो पहली सूची आने वाली है उसमें संभावना जताई जा रही है कि पहली सूची में नीमच जिले के तीनों विधानसभाओं के नाम भी कांग्रेस की सूची में शामिल हो सकते हैं। तो जो संभावित तय नाम है उनको लेकर अगर हम चर्चा करें, तो जावद से समुद्र पटेल का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। वहीं नीमच विधानसभा की अगर बात करें, तो नीमच विधानसभा से उमराव सिंह गुर्जर का टिकट तय माना जा रहा है। वहीं मनासा विधानसभा से अगर बात करें, तो मनासा विधानसभा से नरेंद्र नाहटा का टिकट तय माना जा रहा है। तो तीनों विधानसभाओं में तीनों प्रबल दावेदार हैं और इन तीनों का नाम जो है तय बताया जा रहा है। और जो पहली सूची 15 तारीख के दिन पहले नवरात्र के दिन कांग्रेस की जारी होने वाली है, इसमें से तीनों विधानसभाओं के नाम इस सूची में शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं अब अगर हम बात करें, तो हमने पहले भी आपको जो है चुनावी खबर को लेकर अपडेट किया था, जिसमें हमने आपसे कुछ संभावित नाम साझा किए थे, तो उन संभावित नाम पर भी हमारे मोहर लगी है। हमने बताया था कि जावद से भाजपा से ओम प्रकाश सकलेचा का नाम जो है प्रबल दावेदारी में तय माना जा रहा है। तो उसी के तहत जो पहली सूची जारी हुई उसमें ओम प्रकाश सकलेचा का नाम पहली सूची में शामिल हो गया। वहीं हमने बताया था कि जावद से भाजपा के नेता पूरणमल अहीर जो है इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। उस खबर पर भी हमारे मोहर लगती नजर आई और पूरणमल अहीर ने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। आने वाली 15 तारीख के दिन कांग्रेस की पहली सूची जारी हो जाएगी। वहीं चुनावी अगली अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ behrou.com और SBCN टाइम्स के साथ में। हम आपको चुनावी पल पल की अपडेट देते रहेंगे, चुनावी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त behrou.com और SBCN टाइम्स के साथ में आकाश श्रीवास्तव।